आप कायनात के अंदर कोई ये इल्म दिखा दे मुझे जिसको अल्लाह ताला ने ये कहा हो, जिसने ही सिर्फ याद कर लिया ना वो जन्नत में। कि देखें जी, दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है, कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जिसको खाली पढ़ने के ऊपर और याद करने के ऊपर आपको कोई रिजल्ट मिल रहा हो, कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो। लेकिन जो अल्लाह ताला के नामों का इल्म है, इसके हवाले से एक ऐसी हदीस आई है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतुन व तिस्ईना इस्मन मन अहसाहा दखल अल जन्ना, कि अल्लाह ताला के 99 नाम है जिसने उसका एहसा कर लिया। अहसा युहसी, एहसा बाब अफ़आल। अब इसके ऊपर जो है वो एहसा का मतलब वो जन्नत में दाखिल हो जाए। एक और रिवायत में मन हफिज़हा दखल अल जन्ना, जिसने इनको याद कर लिया वो जन्नत में है। आप कायनात के अंदर कोई ये इल्म दिखा दे मुझे जिसको अल्लाह ताला ने ये कहा हो, जिसने ये सिर्फ याद कर लिया ना वो जन्नत में। क्यों, किसके नाम याद किए आपने, किसके बारे में इल्म हासिल किया है, किसका तारुफ अपने दिल के अंदर रखा है? अरे तुम अल्लाह ताला के नाम लेते रहो, तुम उसके नामों की मार्फत तुम अपने दिल में सजा लो अल्लाह, और तुम्हें वो जहन्नम में डाल दे। तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब बन सकता है कि सिर्फ ये कि तुम्हें अल्लाह ताला के नाम याद है। जिसको याद करने में इतनी फजीलत है उज़ैफा, आप मुझे ये बताएं, अगर इसको समझ के पढ़ें, अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें, रिलेट करें कि यार इस सिचुएशन में ना मुझे अल्लाह ताला के इस नाम को पुकारना चाहिए, इस सिचुएशन में ना मुझे अल्लाह ताला के इस नाम को याद रखना चाहिए। बड़े सहारे हैं ये, बड़े सहारे हैं।